तो सबसे पहले हम बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि ये मंगल की राशि है, राहु इसमें एक सम रहता है। अगर बहुत अच्छा नहीं है तो बहुत बुरा भी नहीं है, लेकिन मेष राशि में जिन लोगों का राहु होता है उनको जमीन के अंदर बड़ा इंटरेस्ट होता है। वो भूमि खरीदते हैं, मकान खरीदते हैं, प्रॉपर्टी खरीदते हैं। किराए की इनकम के जिनके साधन होते हैं ना, वो लोग मेष राशि वाले होते हैं। मेष राशि के अंदर जिनका राहु होता है वो लोग अपना संचय मैक्सिमम टाइम उसमें करते हैं और वो सोचते हैं कि किसी तरह से आराम के पैसे मिल जाए, मैंने वो खरीद ली, वहाँ से इनकम आती रहे। ये राहु को माना गया है। कुछ जगह राहु यहाँ पर इनको तामसी बना देता है, इनके स्वभाव में गर्मी आ जाती है, ये उद्दंडता करने लगते हैं, मतलब बदतमीजी से पेश आ जाते हैं और फिर उसके कारण इनकी अच्छी छवि खराब हो जाती है। तो ऐसे लोगों को अपने राहु को कंट्रोल करने के लिए पंचमुखी हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए और पंचमुखी हनुमान जी की आराधना करते वक्त सूर्यास्त की बात करनी चाहिए। सूर्यास्त की बात उनको पंचमेवे का भोग लगाएं, क्योंकि वो रुद्र रूप है, हनुमान जी का रुद्र रूप है पंचमुखी, तो रुद्र रूप में उनकी आराधना करने से उनके इस राशि में बैठे हुए राहु को नेगेटिव इफेक्ट होना बच जाता है। तो जैसा कि नारायण जी बता रहे हैं कि मेष राशि के जो जातक हैं, अगर राहु के गोचर के वक्त आपको ऐसी कोई समस्या सामने आती है आपकी जिंदगी में जैसा कि नारायण जी ने बताया, तो ऐसे समय में जरूरी है कि आप पंचमुखी हनुमान जी की आराधना करें, सब कुछ मंगलमय होगा।